आखिरकार पुलिस मुख्यालय ने भी माना कि विभाग द्वारा गठित सिटी पेट्रोल यूनिट की कार्यप्रणाली में कई कमियां हैं, जिसके चलते पुलिस मुख्यालय देहरादून हरिद्वार उधम सिंह नगर हल्द्वानी में तैनात सिटी पेट्रोल यूनिट टीम द्वारा अपने मूल जिम्मेदारी में लापरवाही दिखाने वाले सिटी पेट्रोल यूनिट कर्मियों पर विभागीय कार्यवाही के साथ ही सख्त कदम उठाते हुए बड़े फेरबदल के संकेत दिए हैं। उत्तराखंड ट्रैफिक निर्देशक कार्यवाही के अनुसार अभी तक सिटी पेट्रोल यूनिट टीम की लापरवाही से कई सिटी पेट्रोल यूनिट कर्मचारियों को चिन्हित कर लिया गया है, जिसके बाद जनवरी के प्रथम माह तक सिटी पेट्रोल यूनिट टीम में बड़ा फेरबदल किया जाएगा। क्राइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। इसमें जो कई इसमें परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं, जिसमें जो रोड बॉटलनेक्स हैं, जहाँ पे जैम लग रहा है, उसमें जैम को खुलवाने में इनकी क्या भूमिका है, वो जैम लगा क्यों, अगर इनकी ड्यूटी थी वो जैम लग क्यों पाया, अगर लगा है तो उसको खुलवाने में इनका क्या रोल रहा, इसमें जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उसमें उन्होंने क्या किया, जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं उसमें इनके वर्कआउट में इनका क्या इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। तो जो भी जब ये सीपीयू बनी थी और उसको जो एक बताया गया था कि ये पैरामीटर्स होंगे, तो उन्हीं पैरामीटर्स पे सबकी परफॉर्मेंस को हम चेक कर रहे हैं, उसी के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।